एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी अलर्ट। तो आज मैं बात करूंगी क्लासिक वाइट स्किन वाइटनिंग सोप के बारे में, जो कि एडवांस फॉर्मूले के साथ आती है। ये क्लेम करता है कि ये आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा। तो इसके रिजल्ट जो है मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगी, क्योंकि मैं इसकी एक सोप ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ और ये मेरे पास सेकेंड है। और इसे मैं दिखाऊंगी किस तरह से आती है। पैकिंग वगैरह आप देख सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको सिंगल पीस मिलेगा 35 का। अगर आपको दो लेने हैं तो ये पड़ेगा आपको 70 का। और एक चीज़ और है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आप जितने भी प्रोडक्ट के रिव्यू देखते हैं वो सारे के सारे मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही मैं उनका रिव्यू करती हूँ। मतलब मैं खुद यूज करती हूँ, या फिर अपने कजिन भाई बहन को भी यूज करा के उसका रिव्यू करती हूँ, या फिर मेरे कोई रिश्तेदार हैं उनका, लेकिन ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू मैं नहीं करती हूँ। तो आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आज मैं अपनी पहचान बना रही हूँ तो सिर्फ अपने ऑनेस्ट रिव्यू के वजह से ही, और आगे भी अगर मैं बढ़ूंगी तो मैं सिर्फ अपने ऑनेस्ट रिव्यू के वजह से ही आगे बढ़ रही हूँ और आगे बढ़ूंगी भी। तो आप पैकिंग इसकी देख सकते हैं, ये इस तरह से इसकी पैकिंग आएगी। ये इस तरह का इसमें एक पॉलीथीन का कवर, उसमें भी क्लासिक वाइट लिखा हुआ है, लेकिन ये सील्ड नहीं है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से खुला हुआ आएगा। ये सोप बिल्कुल डव सोप की तरह है, बस डव ये है कि उसमें वो फॉर्मिंग नहीं देता है, क्रीमी है, बट ये क्रीमी नहीं है। ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन टाइप के लोग इसे लगा सकते हैं। अच्छा खासा फॉर्मिंग दे देता है, और आप इसे 3 से 4 बार लगाएं या 4 से 5 बार लगाएं, वाइट कास्ट नहीं बनते। सबसे अच्छी बात इसकी ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग 1 से 2 बार से ज़्यादा सोप लगा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो खुरदुरी हो जाती है और उस पर वाइट कास्ट बन जाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसकी सबसे अच्छी खासियत यही है। अब जो हमारा लास्ट और मेन पॉइंट है कि क्या ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल करता है। इसके रिजल्ट जो है वो आपको विजुअल नज़र आएंगे। इतना तो नहीं कि बिल्कुल आपको वाइट कर देगा, लेकिन एक नॉर्मल सोप जो होती है, ठीक है, उससे अच्छे रिजल्ट हैं इसके, क्योंकि ये जो क्लेम करती है बिल्कुल करती है। इसने कोई परमानेंट का नहीं दिया है, जब तक आप इसे यूज करेंगे तब तक ये आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करेगी, जब आप छोड़ देंगे तो आपकी स्किन वैसे ही हो जाएगी। तो मैं कहूँगी कि आप जैसे डेली खाना खाते हैं तो बेशक आप सोप को भी कंटिन्यू कीजिए, तो आपको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे फेस पे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अलग से फेस के लिए कोई फेस वॉश लेना पड़े। आप अपने फुल बॉडी पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल मैं इसे रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी है, कॉम्प्लेक्शन में भी इसने अपना असर दिखाया है। तो इसके बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है वो सीरम के ऊपर आने वाली है। मैं उनमें कंपैरिजन करूँगी, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा अच्छा है इसमें से, तो मैं हर एक को बताना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो मैं उसके वीडियो कल ही अपलोड करने वाली हूँ।